उन्नाव की जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे के नेतृत्व में मोदी सरकार के अभियान के तहत जन जागरूक के लिए हर घर तिरंगा रथ यात्रा निकाली गई। यह यात्रा जिला मुख्यालय से सभी ब्लॉकों के जनमानस को अभियान में सहभागिता करने के लिए प्रेरित करेगी। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने हर घर तिरंगा रथ यात्रा के पहले जिले के सभी विधायकों और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे के साथ SCP दिनेश त्रिपाठी, सदर विधायक पंकज गुप्ता, पूर्वा विधायक अनिल सिंह, सफीपुर विधायक बम्बालाल, भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने केंद्र सरकार के अभियान के तहत हर घर तिरंगा रथ यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अभियान की नोडल अधिकारी दिव्यता पटेल की सराहना की। वहीं जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने बताया कि उन्नाव के सभी ब्लॉकों में जो कार्यक्रम होने हैं उसको लेकर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर समीक्षा की गई है। वहीं अभियान के तहत जागरूकता के लिए जरूरी सामग्रियों के साथ वाहनों को रवाना किया गया। ब्लॉकों पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर CDO की तरफ से प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार के अभियान हर घर तिरंगा को सफल बनाने के लिए बैठक की गई थी। हमारे जनपद उन्नाव में ब्लॉकों में जो कार्यक्रम होने हैं उसका सभी माननीय जनप्रतिनिधि के साथ में प्रत्येक जो वाहन है सामग्री सहित यहाँ से रवाना हुई है। ब्लॉकों पर वृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बहुत ही वृहद और बहुत ही सुचारू रूप से प्लान करके ब्लॉकों पर जो कार्यक्रम होना है उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। इसके पृथक से जो बैठक की गई है, बैठक में किस प्रकार से इसको एक जन अभियान का रूप देना है, जन अभियान के रूप में इसको सफल बनाना है, उसके संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति के योगदान, प्रत्येक व्यक्ति के किस प्रकार से प्रतिभाग कराया जाना है, एक ऊर्जा जिसको कहते हैं कि इस कार्यक्रम में बनी है, उसके संबंध में हम लोगों द्वारा बैठक की गई है। जिन विभाग में थोड़ा सा परफॉर्मेंस या अनटच्ड रह गए हैं उनकी हम लोगों ने समीक्षा की और किस प्रकार से उसको किया जाना है उसके लिए निर्देशित किया गया। बहुत ही जिसको कहते हैं सफल रूप से CDO मुख्य विकास अधिकारी के नोडल रहे हैं। इन्होंने हमारे जनपद का लक्ष्य जो 7 लाख करीबन हमारे जनपद का लक्ष्य है उसके सापेक्ष किस प्रकार से अवेलेबिलिटी है वो भी सुनिश्चित कर ली गई है। घर घर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कैसे किस प्रकार से वितरण हो रहा है उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और साथ ही यहाँ पर स्पेशली अलग से डैशबोर्ड भी इनके द्वारा विकसित किया गया है कि किस प्रकार से प्रत्येक घर में और प्रत्येक ब्लॉकों में किस प्रकार की जिसको कहते हैं प्रगति रहेगी वो हमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से भी दिखती रहेगी। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि चित्र के रूप में फोटोज़ के माध्यम से अन्य नोडल अधिकारी लगा करके हमारे यहाँ इसकी